भाभा को भी फोन कर लेता हूँ। बाबू, मैं सूरज बोल रहा हूँ। जी बाबू, बाबू ठाकुर जी की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा हो गया, उनको बहुत पसंद आया। हाँ, मैं दिशा मैडम के साथ हूँ, वो फूड फेस्टिवल वाले हैं ना, उन्होंने इनको मेरे साथ भेजा है पुष्कर तक। और हाँ बाबू, चिंता करिएगा, मैं ना तीज की पूजा से पहले पहले पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ बाबू, बाबू मैं रखता हूँ। हाँ आपने का त्योहार है आज? जी जी हाँ, तीज का। तीज, ये वही फेस्टिवल है ना जिसमें सुहागने अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती है, मेहंदी लगाती है, रेडी होती है, राइट? हाँ, पर आपको कैसे पता? मिस्टर राठी, इंसान की शक्ल से उसकी अक्ल का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अरे मुझ में कुछ तो बात होगी, जो फेस्टिवल वालों ने मुझे आपके कोऑर्डिनेटर के तौर पे चुना है। नहीं नहीं, वो माफ करना, मुझे लगा कि आपको इन सब के बारे में कैसे बताओ, तेज वगैरह। सॉरी, थैंक यू, इन्हें बचा के रखिए आप, आगे हमें साथ में बहुत काम करना है, तब काम आएगा। वैसे ये तीज का फेस्टिवल बहुत डिफिकल्ट होगा ना, ये फास्ट करना, मतलब पूरे दिन कुछ ना खाओ, रात तक भूखे रहो। ओह गॉड, मैं तो सोच के मैं नहीं रह सकती भूखी। वैसे मिस्टर राठी, आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब भी मैं भूखे रहने की व्रत की बात करती हूँ ना, मुझे और भूख लगने लगती है, और अभी मुझे भूख लगनी शुरू हो गई, तो कहीं पर खाना खा के चलते हैं? मैडम, 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद हम पुष्कर पहुंच जाएंगे। आप चिंता ना करें, पुष्कर पहुंचते ही मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर दूंगा। 2 घंटे? जी। मिस्टर राठी, मैं 2 घंटे इंतजार नहीं कर सकती, अरे मुझे तो हर 2 घंटे में खाने की आदत है, और रात को भी भूख लगती है तो भी मैं उठ के खा लेती हूँ। आपको पता है मेरा मेटाबॉलिज्म ना बहुत हाई है, तो मुझे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, और वैसे भी मैं अपनी खूबसूरती के साथ समझौता नहीं करती। यहाँ पर आसपास कहीं पिज्जा या बर्गर मिलेगा ना? क्या वो? नहीं नहीं, वो वैसी चीज यहाँ पे नहीं मिलती। पिज्जा बर्गर नहीं मिलेगा जी। तो ठीक है, कोई पंजाबी ढाबा वाबा तो होगा यहाँ आसपास, वहाँ पे हम मुगलाई चिकन और घी वाली तंदूरी रोटी। मुँह में पानी आ गया। ओह या, आप तो नॉनवेज नहीं खाते ना? जी नहीं, मैं नहीं खाता। कोई बात नहीं, हमारा राजस्थानी स्पेशलिटी दाल बाटी चूरमा खाएंगे, प्योर वेज। बस जल्दी से किसी ढाबे पे रोक दीजिए, वरना ये दिशा भूख के मारे मर जाएगी। हाँ अजी, आगे किसी ढाबे पे रोक लेना खाने के लिए। जी हाँ भाई साहब। ऐसे अच्छा जी, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे खाने के लिए इंतजाम हो पाएगा। मिस्टर राठी, कभी तो कुछ पॉजिटिव बोला करिए, अरे मन में एक उम्मीद की रोशनी जगा के रखना चाहिए। अगर ढाबा नहीं भी मिला तो खुल जाएगा अपने आप, है ना? लो आ गया ढाबा। अजी आगे रुको, लो दिशा जी, मुझे लगता है कि आपके साथ साथ आपकी उम्मीद की दिशा भी तेज है। Thank you.
ये ढाबा ठीक है ना? सूरज जी थोड़ा आराम से आइए। वाओ, यहाँ बैठे जी। आइए। शाही पनीर दाल तड़का, दोनों में से क्या अच्छा रहेगा? चख के देखते हैं। और मसाला भिंडी, ये तो बहुत चटपटी होगी ना? और हाँ, आलू पालक के बगैर खाना तो पूरा होगा नहीं। और पुलाव और बिरयानी दोनों मंगा लेते हैं। और हाँ, जीरा आलू, आलू मटर, भरवा भिंडी और रोटी, आई गेस इतना बहुत रहेगा ना जी। और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन, क्या है ना, मीठा जब तक ना हो ना तो खाना पूरा नहीं होता। दिशा जी, मुझे लगता है कि आपने लगभग पूरा मेन्यू मंगवाने की तैयारी कर ली। You're right, Mr. Rathi. सब कुछ टेस्ट करना चाहिए। कल को हम यहाँ आए तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए यहाँ क्या अच्छा मिलता है। और जो काम हम आगे करने जा रहे हैं उसमें जायका ना एक खुराक की तरह है। समझ लीजिए हमारी परीक्षा यहीं से शुरू हो गई। जी। वो एक कहावत है ना, एक पंथ दो काज। पता है मिस्टर राठी, जब भी मैं कोई सवाल करती हूँ और जवाब में आप इस तरह अपना सर हिलाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पसंद बहुत मिलती है। देखना, हमारी बहुत जमने वाली है। मैं ऑर्डर देके आती हूँ। अरे आप बैठिए, मैं ऑर्डर देता हूँ। मिस्टर राठी, ढाबे के खाने की ना बात ही कुछ और है। थोड़ी स्पीड स्लो है, वरना फेस्टिवल में हम अपने स्टॉल पे स्पीड और टेस्ट दोनों बढ़िया रखेंगे, है ना? हाँ। अब मेरे ड्रेस पे ना दाग लग गया है, मैं साफ करके आती हूँ, ठीक है? आप प्लीज कैमरे का ख्याल रखना। हाँ जी। एक मिनट। हाँ सर। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।